इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के मथुरा महल गार्डन में शादी समारोह के दौरान दूषित खाना खाने के चलते 200 से अधिक लोग हुए बीमार और तबियत बिगड़ते ही उन्हें नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। 5 से अधिक लोगों की हालत अब भी गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें कि राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है जहां पर चोइथराम चौराहे पर स्थित मथुरा महल गार्डन में शकील और सलीम के घर शादी समारोह चल रहा था। इस दौरान बारातियों ने शादी समारोह में दूषित खाना खाने के चलते फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया, जिसमें तकरीबन 200 से अधिक लोगों की हालत अचानक बिगड़ गई। उन्हें जल्द ही नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। बताया जा रहा है कि कई लोगों को तो तत्काल उपचार कर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया, लेकिन 4 से 5 लोगों की हालत गंभीर है जिन्हें ICU में भर्ती किया गया है। जानकारी ये मिली है कि मथुरा महल में फूड पॉइजनिंग होने के कारण से कुछ मरीज हमारे पास आए, कुछ सेवाले अस्पताल गए, कुछ क्लॉथ मार्केट हॉस्पिटल गए। अभी तक हमारे पास कुछ 50 से 55 मरीजों की गिनती हुई है जो कि इंजेक्शन लगा के घर पे इलाज लेके प्राइमरी ट्रीटमेंट लेके घर गए। उनमें से कुछ क्रिटिकल मरीजों को हमने भर्ती भी किया है और उनका कुछ इलाज चल रहा है। सर बताया कि क्या खाया कुछ? ऐसा तो कुछ डिटेल अभी मिली नहीं इतनी भीड़ भाड़ में, पर फूड पॉइजनिंग की एक्यूट डिटेल मिली है। आज मेरी संभागीय गश्त थी और 3 बजे के आसपास मुझे सूचना मिली कि राजेंद्र नगर थाने में माथुर महल में वहाँ शकील और इनके बच्चों की शादी थी, तो वहाँ फूड पॉइजनिंग हुई। और सूचना मिलने पर ये शिवालय हॉस्पिटल दरगाह में और ये बॉम्बे बाजार के पास में यूनिक हॉस्पिटल में उपचारत है, उसमें लगभग 100-200 लोगों की सूचना है और उपचार के दौरान कहीं जो है उपचार के दौरान वापस चले भी गए हैं। सर कोई गंभीर वगैरह भी कुछ लोग गंभीर होने की सूचना तो अभी तक नहीं मिली और यूनिक हॉस्पिटल में 4 लोगों की भर्ती होने की सूचना है।